हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी विभाजन भयावह स्मृति दिवस के अवसर पर विभाजन पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है कि देश की आज़ादी के बाद का लगभग आधा साहित्य विभाजन के बारे में है। सीएम सैनी ने कहा कि आज ही के दिन 1947 में रेड क्लिफ नाम के एक अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा पाकिस्तान को भारत से अलग करने के लिए सीमा खींचने का काम सौंपा था। रेड क्लिफ भारतीय संस्कृति को नहीं जानते थे, वे कभी भारत नहीं आए और उन्हें हमारी जनसंख्यिकी और भूगोल का भी पता नहीं था। सैनी ने कहा, लाखों लोगों को दूसरों की गलतियों की कीमत चुकाने के लिए अपनी जान और आजीविका खोनी पड़ी। महिलाओं को जो अत्याचार सहना पड़ा वह आज भी भयावह है। भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद लगभग आधा साहित्य इसी के ऊपर भरा पड़ा है। उसकी पीड़ा से आहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी उन्होंने कहा है। उनके मन में जो पीड़ा थी उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा अगर की है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है।